उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे। शाह ने यहां घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत करते हुए चुनावी तीर भी चलाए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई थी, इसे याद कीजिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है। उत्तराखंड बीजेपी में भले ही अंदर खाने सब ठीक ना हो, लेकिन आज चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही अमित शाह के कार्यक्रम में पार्टी ने एकजुटता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के मंच पर सभी नेता एकजुट दिखाई दिए, जो पिछले लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिनों भारी बारिश के कारण आई आपदा का खामियाजा आज भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा जिले के गल्ली गांव से सामने आया है। यहां सड़क बाधित होने के कारण एक प्रसूता महिला को समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिस कारण उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पंचकेदार में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। चोपता भनकुन होते हुए 1 नवंबर को डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मार्केंडे मंदिर मक्कुमठ में विराजमान हो जाएगी। यहां एक दिवसीय तुंगनाथ महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के 18 मेडिकल कॉलेजों में अब MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए से घटकर सिर्फ 1,45,000 रुपए होगी। उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा ऐलान करते हुए और सौगातों का पिटारा खोला है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल दिवाली बोनस मिलेगा। आशा फैसिलिटेटरों के लिए प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना में संशोधन पर भी मुहर लगी। वास्तव में उत्तराखंड कैबिनेट की एक अहम बैठक गुरुवार को यहां सचिवालय में हुई, जिसमें ये तमाम फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया।